दे दी है? देखिए, बिहार ने तो देश को एक दिशा दे ही दी है, देश के पूरे डिस्कोर्स को चेंज कर दिया है। देखिए, जो पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने प्रयास किया था कि देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, अब अगले 6 महीने जो पूरा डिस्कशन होगा वो होगा जातीय जनगणना के बारे में। ओबीसी को जो उनके अधिकार नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, और जिस प्रकार से सब चीजों पर उनका उपयोग किया गया, उपयोग करने के बाद उनको फेंक दिया गया और उनको अधिकार नहीं दिए गए, उनको शिक्षा के अधिकार नहीं दिए गए, उनको जो जुडिशरी थी उसमें स्थान नहीं दिया गया, उनको जर्नलिज्म में स्थान नहीं दिया गया, उनको अध्यापन में स्थान नहीं दिया गया, उनको सरकारी नौकरी में स्थान नहीं दिया गया, और अगर सरकारी नौकरी में वो पहुंचे भी तो इम्पोर्टेंट पोस्ट उनको नहीं दी गई। तो देखिए, आपने देखा जैसे राहुल गांधी अभी तक ये कहते हैं कि जो 90 पोस्ट हैं उसमें से केवल 3 लोग ऐसे हैं जो ओबीसी के हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में जिसका सबसे ज्यादा श्रेय लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, सर्वमित्रा जी आप देखिए, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी ने दिया था तो ओबीसी समुदाय ने दिया था। राम जन्मभूमि न्यास में कितने ओबीसी हैं जरा पता चलाइए जी। क्या उसमें सारे समण समाज के लोग नहीं है, जो कि बिहारी, बिहार की जो जातीय जनगणना हुई उसमें केवल 15% है। अच्छा, दूसरी बात यह की गई कि यादव जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अब जब ये क्लियर हो गया कि 15% है यादव बिहार के अंदर, और ये उतने ही हैं करीब करीब जितने मुसलमान हैं, इसका मतलब यह है कि यादवों का ये अधिकार है कि उनको उनके हिस्सेदारी मिले। संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में बड़ा उधम मचाया, बड़ा उन्होंने कहा कि हम 20% हैं, हम 15% हैं, हम 100 सीट जीत सकते हैं। अब बिहार के अंदर पता चल रहा है कि उनकी जनसंख्या जो है 2.5-3% है। अभी तक सर्वित्रा जी मैं भी ये सोचता था कि समण समाज चाहे साउथ में बहुत कम हो गया हो लेकिन यूपी बिहार में कम से कम 25% है जी। इसका मतलब यह है कि समण समाज 15% होने के बावजूद अगर जुडिशरी में, पूंजीपतियों में आप देख लीजिए सरमित्रा जी, एक गणना करा लीजिए, जितने टॉप, अगर बैंक से आप ये सूचना निकलवाएं कि बैंक से जो ऋण दिए गए हैं वो समणों को कितने दिए गए हैं, ओबीसी को कितने दिए गए हैं, एससी एसटी को कितने दिए गए, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ओबीसी एससी एसटी को लोन ही बैंक नहीं देता है। और एक और चीज आप देखिएगा, जितने लोगों के लोन माफ हुए हैं, अगर 12 लाख करोड़ के लोन माफ हुए हैं उसमें 90% लोन समणों के माफ हुए हैं, ओबीसी और शुल्का शुल्क ट्राइब के नहीं माफ हुए। जितने लोग देश का धन लूट कर भागे हैं और लंदन में जाके कॉफी पी रहे हैं उसमें एक भी आपको ओबीसी एससी एसटी और मुस्लिम समाज का नहीं मिलेगा, सब समण समाज के मिलेंगे। तो मैं ये मानता हूं, देखिए, जिनका आपने शोषण किया हजारों सालों तक, जिनको आपने उच्च पदों पे नहीं बैठने दिया, जिनको गल्ले पे आपने नहीं बैठने दिया, जिनको खेतों में आपने नहीं काम करने दिया, जिनको आपने अधिकार नहीं दिए, ये समय आ गया है कि समण समाज अपने हाथ से सहर्ष अपना जो सारे अधिकार जिनका उन्होंने उपयोग किया है पिछले हजारों साल से, वो ओबीसी समाज को दे, वो दलित समाज को दे, और जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जिससे उन लोगों को पढ़ने का अधिकार मिले, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो शिक्षा है ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा। तो ओबीसी समाज को, एससी एसटी समाज को, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, हर जगह अधिकार मिलने चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं। और ये जो एक प्रकार से काम उनसे करवाते हैं और अधिकार का खुद उपभोग करते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। देश को सनातनियों के बीच में अब ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, असली ओबीसी और फर्जी ओबीसी के बीच में। चलिए, एक बड़ा विकट प्रश्न में आपके श्रोता और दर्शकों से पूछना चाहता हूं, अगर ब्रिगेडियर उस्मान के, अशफाकुल्ला खां के, अब्दुल हमीद की संतानों को इसलिए सताया जाता है कि हजारों साल पहले, 507 साल पहले औरंगजेब ने यह किया और अकबर ने यह किया और शाहजहां ने यह किया, तो क्या यह प्रश्न नहीं पूछेगा ये समाज जिसकी आज संख्या पता चल रही है कि 85% है, वो क्या ये नहीं पूछेगा कि जिनकी संख्या 15% थी उन्होंने हजारों साल तक हमारा शोषण क्यों किया, अभी भी शोषण क्यों कर रहा है, और हमारे अधिकार हमको क्यों नहीं दे रहा है? सरमित्रा जी आप देखिए, तुलना करके देखिए, घनश्याम दास बिरला जी ने हर शहर में मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई और गरीब लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की,
बिल्कुल, टाटाज ने जमशेदपुर को एक विकसित शहर बना दिया, और आज जमशेदपुर के किसी आदमी से पूछिए वो कहेंगे कि ये शहर टाटा जी ने बनवाया है, उनकी वजह से आज एक विकसित शहर है, एक स्मार्ट सिटी है। हिंडाल्को में बिरला जी ने जिस तरह से हिंडाल्को को जमाया, पूरे क्षेत्र को विकसित किया, क्या आप ये बता सकती हैं? जो पिछले 10 साल से जिन लोगों ने देश का आर्थिक शोषण किया है, सर मित्रा जी, जी, क्या उन्होंने 1500 गांवों को विकसित गांव बनाया? क्या उन्होंने जिन शहरों में उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां उन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया, या उन्होंने इस देश का पैसा लूट कर शेल कंपनीज के माध्यम से कैपिटल मार्केट को किस प्रकार से शोषण करके देश की जनता का शोषण किया, जहां पे देश की 95% जनसंख्या की आमदनी गिर गई, ये 2-3 बड़े बड़े पूंजीपति और 5-5, 6-6 हजार करोड़ आपने लोगों के माफ कर दिए, और जिनके 15-15 हजार करोड़ जो लूट के भागे थे आज वो लंदन में कॉफी पी रहे हैं। तो क्या ये समाज नहीं पूछेगा? ये समाज नहीं पूछेगा कि उस समाज की आप इसलिए निंदा करते हो कि 50 पुश्तों पहले और मुगलों में मुसलमानों में कोई सीधा संबंध भी नहीं है। अगर उस शोषण का दंड उनको मिलेगा तो मैं तो इसीलिए निवेदन कर रहा था, हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य है, हम सहर्ष निजी संस्थानों में, जुडिशरी में, हर जगह जिन लोगों का शोषण हुआ है पहले तो शोषण को बंद करें, जिन लोगों ने पेशाब किया है आदिवासियों के चेहरे पे उनको कठोरतम दंड दें, जिन्होंने दलितों को जीभ से बांध के पीटा है उनको ऐसा दंड मिले कि लोग जनता देखे कि कैसे होता है न्याय, कैसे होता है। उज्जैन के अंदर जिस 12-13 साल की बिटिया को, दलित बिटिया को, उसके साथ कांड हुआ है, उनको ऐसा दंड मिले कि जनता देखे, पूरा समाज देखे, और जिनका शोषण अभी तक जारी है उनको अधिकार हमको स्वतः दे देना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। जब सब समता में आ जाएंगे फिर एक विकसित और एक